निकाय चुनाव के चलते सभी प्रत्याशी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत भारी मतों से हो। इसी कड़ी में वार्ड 2 से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी विनोद कुमार ने रोड शो किया। इसके बाद सभी भाजपाई कार्यालय पर इकट्ठा हुए, जिसके बाद आदर्श नगर में पूरे रोड शो का आयोजन किया गया। पूरे इलाके में कमल के फूल के नारे गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी वार्ड वासियों से विनोद कुमार ने जनसंपर्क करके सभी समस्याओं को पूरा करने का वादा किया। विनोद कुमार ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और क्षेत्रवासियों से अपील की कि वो 29 नवंबर की सुबह से ही मतदान केंद्र पर जाकर कमल के फूल वाले बटन को दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। इस दौरान सभी क्षेत्रवासियों ने विनोद अग्रवाल के रोड शो का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा करके रोड शो का स्वागत किया गया।